हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आभा के ब्लॉग। बहुत दिन से मैंने अपना ब्लॉग बनाया नहीं है और इस टाइम मैं जर्मनी में हूँ, मतलब हम जर्मनी में आ गए हैं। और हमने फ्राइडे मींस टुडे इज व्हाट डे? सैटरडे। ओके, टुडे इज सैटरडे एंड फ्राइडे हम लोगों ने लिया था साइकिल आसी के लिए। तो ये आसी की साइकिल है, मैं दिखाती हूँ आपको बैक साइड से। था फ्राइडे के दिन हमने ये साइकिल लिया था, तो ये साइकिल आ गई है आसी की। असेंबल भी कर दिया आसी के पापा ने। एक्चुअली यहाँ असेंबल करना पड़ता है घर में, पैकेट में आती है साइकिल। और आज मैंने अपने लिए साइकिल ली है जो कि आसी के पापा असेंबल कर रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, सारा यहाँ पे कर्टेन का कचरा उचरा सब यहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इसमें से सारा पैकिंग ओपन किया है इन्होंने और पूरा असेंबल कर रहे हैं, पूरा फिक्स कर रहे हैं। और मैं भी इनका भी साथ दे रही थी, फिर सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए, तो इसीलिए अभी थोड़ा हो चुका है, असेंबल हो चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। तो अभी आशी के पापा बना रहे हैं, मतलब पूरा असेंबल कर रहे हैं प्रॉपर। और जो मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या असेंबल करना पड़ा है हमें, ये सारी साइकिल हमें मिली हुई थी, इसमें ये सीट लगाना है। अभी जो सीट लगी नहीं है, आप देखो ये सीट अभी सेट करना है। और ये नहीं मिला था जो आसी पापा भी लगा रहे हैं। और इधर ये नहीं था जो बास्केट वाला पोर्शन है, ये बास्केट वहाँ पर रखा हुआ है, तो ये बास्केट यहाँ पर आएगा। ये व्हील अलग से था, तो ये व्हील फिक्स कर दिया इन्होंने, तो ये फिक्स हो गया। और मेरे हस्बैंड बहुत देर से, संजू अभी लगे हुए हैं बस साइकिल को फिक्स करने में। अभी हम सुबह से हम वही गए थे साइकिल लेने के लिए, तो वहाँ पर हम सुबह का 11 बजे निकले थे और आए हैं 4:30 बजे शाम को। तो अभी इस टाइम 6:15 हो रहा है शाम का जर्मनी में। और ये जो है ये ऐसे लगेगा इसका बास्केट, तो अभी बास्केट अभी फिक्स हुआ नहीं है, ये सीट अभी कर रहे हैं। तो पूरी तरह से भी हो चुका है और ये साइकिल रेडी है। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, इसका ट्रायल करूंगी होने के बाद, क्योंकि मैं बहुत दिन से साइकिल चलाना छोड़ दी हूँ। वैसे तो जुपिटर भी चलाती हूँ, मतलब जुपिटर मींस स्कूटर भी चला लेती हूँ, बट कुछ दिनों से मेरी साइकिल चलाने छूट चुका है, क्योंकि मैं जब कॉलेज टाइम में थी तभी से साइकिल चला रही थी। अभी मैं आपको फ्रंट से अपना, मेरा साइकिल चलाना बहुत दिन से छूटा हुआ है। मैं जब कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तब साइकिल चलाती थी, बट इसके बाद मैंने साइकिल छुआ तक नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पर जर्मनी में क्या है ना, कि जर्मनी में अधिकतर लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल को ही यहाँ पर बाइक कहते हैं, और मोस्टली लोग मतलब यहाँ चलाते हैं। फिटनेस भी होती है साइकिल से, अच्छा भी होता है। तो हमने सोचा कि क्योंकि मैंने साइकिल लिया था आसी के लिए, और आसी इतना तेज चलाती है साइकिल कि उसके पीछे दौड़ना इम्पॉसिबल है, तो अभी हमें उसको पकड़ने के लिए हमने अपने लिए साइकिल लिया, जिससे कि हम उसको पकड़ सके, हैंडल कर सके, जिससे कि वो कहीं भाग ना जाए, क्योंकि अभी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। और ये आसी के पापा देखो बैठ गए हैं, ये अपना ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि ये हम दोनों के पर्पज़ से लिया है कि ये भी चला सके और मैं भी चला सकूं। क्योंकि अभी हम विदेश में हैं, जर्मनी में हैं, अभी इंडिया में तो है नहीं, क्योंकि हमारे लिए अगर हम इंडिया जाएंगे तो ये सारी चीज़ यहीं पे रह जाने वाली है, या तो सेल आउट करना पड़ेगा, या अब उस टाइम देखेंगे। तो अभी बस फिलहाल ले लिया है, तो अभी इसलिए ले लिया है दोनों, और कलर भी इसी ऑप्शन से लिया है कि ये भी चला सके और मैं भी चला सकूँ, तो इसीलिए हमने ये कलर चूज किया। और ये थोड़ा सा ये इस टाइप में लिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लड़के भी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स का ही होता है। और इंडिया में तो वैसे भी लोग साइकिल को ज़्यादा भी भूल ही चुके हैं एक तरह से, मतलब बच्चे चला रहे हैं, बड़े तो भूल ही चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि लोग यहाँ पर अभी भी साइकिल चलाते हैं, और मतलब बुजुर्ग लोग, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, यहाँ पर 60 तो छोड़ दो आप, 70, 75, 80 तक साइकिल चलाते हैं, मतलब इतने एज के लोग और इतने फिट हैं, तो उसी से अंदाजा आप लगा सकते हो। और देखो आप, आज मेरा घर पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि हम सुबह से बाहर निकले हुए थे, और मेरा फेस देख लो आप कैसा हुआ है, बस सुबह से जो गई हूँ और अभी आई हूँ। और अभी मैंने चाय बनाया, लोग चाय पिए हैं, थोड़ा सा स्नैक्स खाया हमने,
तो बस जैसी थी वैसी ही हूँ, कुछ नहीं मैंने अभी किया हुआ है। बाहर से आके बस माउथ क्लीन किया है, बस उसी काम में लग गई हूँ। और पूरा ये फैला हुआ है तो माइंड मत करना आप, क्योंकि अभी हम थके हुए हैं पूरी तरह से। और ये आसी का तो रोज के तरह टीवी चालू है, और हमने ये आसी के लिए पिंक कलर का हेलमेट लिया है, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हेलमेट आसी के लिए है। और ये ब्लू जो लिया है हम दोनों ने अपने पर्पज़ से लिया है, क्योंकि ये ब्लू कलर गर्ल्स बॉय दोनों यूज कर सकते हैं। होता तो एक्चुअली बॉय का ही है, लड़कों का ही होता है, बट दोनों यूज कर सकते हैं। सो इट्स ओके, मेरे लिए भी ये काम आ जाएगा। तो ये हेलमेट है क्योंकि यहाँ पर नीड होता है लगाना। और ये रेडी हो चुका है, तब से मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये रेडी हो चुका है मेरी साइकिल। और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है, इन्होंने जो बास्केट दिया एक्चुअली पैकेट में था, ये सारा कुछ पैक था, इसीलिए हमें पता नहीं चला जब घर में खोला है हमने। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है टेढ़ा टाइप में है, बट इट्स ओके। बट क्योंकि ये हम बहुत दूर से लेके आए हैं, और कैसे कैसे लेके आए हैं आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले हम बस किए, बस से लेके आए, क्योंकि हम वहाँ पे असेंबल भी करवा सकते थे, बट असेंबल करवाने के बाद वहाँ से बस में अलाउ नहीं होता है लाना, तो इसीलिए हमने बस में ये मतलब असेंबल नहीं करवाया। और मोस्टली वहाँ पे मिलता भी नहीं, उन्होंने बोला ठीक है आपको चाहिए तो हम असेंबल करके दे रहे हैं, बट ये बस में जाएगा नहीं। और वहाँ से कोई मेट्रो थी नहीं, इसलिए बस के लिए हमने, बस के वजह से हमने इसको पैकेट में लिया। और पैकेट में हम बस से लेके आए, फिर मेट्रो से, मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर से लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर इतना हैवी है, आपको मैं बताती हूँ कितना केजी का है, ये 31 kg का है एक्चुअली। और 31 kg कितना हैवी होता है आपको भी पता होगा, और हमें तो पता चल ही गया, क्योंकि मुझे तो उतना नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पता चल गया, क्योंकि किसी तरह उन्होंने लेके आए, वो किसी तरह लेके आए हैं, और हम उसके लिए लेके गए थे वो बास्केट, यहाँ पर जो सामान का होता है रखने वाला, तो उसको लेके गए थे। आपको दिखाती हूँ मैं, उसी पे हम लेके आए हैं कि हाँ इस पे, ये देखो आप पीछे से मैं दिखाती हूँ, इसमें ये व्हील लगा हुआ है, तो इसी पे हम रख के, ये जो आप देख रहे हो ये सामान लाने के लिए रहते हैं यहाँ पर, तो इसी पे हमने इसको रख के और ये घींच के लेके आए हैं, और इससे थोड़ा सा रिलीफ मिल गया हमें लाने में। ये देखोगे आप व्हील है नीचे, एक मिनट, ये नीचे व्हील है, तो इसको लाने में हमें प्रॉब्लम उतनी नहीं हुई, क्योंकि हमने इसी पे रख लिया था और इसके पापा ने ऐसे घींच घींच के ले आया, तो हो गया अभी हमारा काम हो गया, बट बहुत थक गए हम, तो अभी चलते हैं ट्रायल करते हैं, फिक्स हो गई ये साइकिल।